हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सिर्फ राज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो कंप्यूज इन्फो शेयर को लेकर के, दूसरा मिष्ठान फूड शेयर को लेकर। कंप्यूज इन्फो शेयर में मैंने 23 रुपये के आसपास रिकमेंडेशन दी थी और ये शेयर 30 रुपये तक भी गया और फिर वापस इसमें डाउनफॉल आया और फिर इतना डाउनफॉल आया कि ये बिलो ₹15 भी चला गया। फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास 30 रुपये में शेयर ख़रीदा हुआ है वो एटलीस्ट 50% अभी लॉस में चल रहा है। जिन्होंने 21, 22, 23 रुपये पर ख़रीदा हुआ है वो भी 30% समथिंग पे लॉस में चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास हर लॉस से निकलने का ट्रैक होता है। मुझे मालूम होता है कौन से ट्रैक के थ्रू हम लॉस से निकल सकते हैं। जिन लोगों के पास भी शेयर है, बीच में मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया था, अपडेट कर दिया था कि या तो इस शेयर में बने रहें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो जितनी क्वांटिटी आपके पास ही बेच दें, जो भी अमाउंट मिले उसको आप दूसरे शेयर में इन्वेस्ट कर लें और अपना लॉस बुक करें। और जो दूसरा शेयर आप इन्वेस्टमेंट करें वो शेयर हैं सुजलोन एनर्जी। उस वक्त शेयर 8 रुपये पर चल रहा था और अब 15 रुपये पर आ गया। अगर उस वक्त भी आपने वो मेरे वीडियो देखा होता और आपने 8 रुपये शेयर खरीद लिया होता तो वो शेयर 15-16 रुपये तक आ गया था। तो 15 रुपये पे आपने बेचा होता और 30 रुपये ख़रीदा है तो जो 15 रुपये यानी कि जो 50% का जो लॉस आ रहा हो रहा था तो ये शेयर जस्ट डबल हो गया तो आपको 50% का लॉस कवर अप हो चुका होता अगर आपने मेरा वीडियो देखा होता। लेकिन अभी भी कोई बात नहीं, आपके यहाँ शेयर हैं तो या तो आप होल्ड करके रहें, ये तो कोई बात नहीं, आप होल्ड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको बेच दें। आप अभी विकास लाइफ केयर, विकास इकोटेक, FCS सॉफ्ट और क्या बोलते रतन पावर इंडिया, JP पावर, रिलायंस पावर और क्या बोलते हैं सुजलोन एनर्जी से शेयर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम किसी एक शेयर के ट्रैक में बैठे रहेंगे तो जो दूसरे शेयर का जो ट्रैक है जो हमें आगे जाके प्रॉफिट दिला सकता है तो उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो जिन लोगों का भी मानना है कि इस शेयर में अब ट्रैक्स नहीं आ रहे हैं, लॉस होने की संभावनाएँ हैं, तो वो मैंने बता दिया कि आप चाहे तो अभी भी इस शेयर को बेच दें। 15 रुपये पे भी अगर ये एक शेयर बिकेगा तो बदले में आप चाहे सेम प्राइस की जो शेयर्स मैंने आपको बताए हैं उसमें डाल दें या फिर यस बैंक जैसे शेयर खरीद लें। तो मैंने आपको इतने सारे शेयर बताएं, कई शेयर में तो आपकी क्वांटिटी दुगनी तिगनी चौगुनी हो जाएगी। 15 रुपये बेचेंगे, 2.25 रुपये पे भी आप FCS जैसा सॉफ्टवेयर शेयर लेंगे तब भी आपके अच्छी क्वांटिटी हो जाएगी। एक शेयर के बदले में 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके 1000 शेयर भी थे तो बदले में अभी भी आप 5000 शेयर खरीद सकते हैं और ये शेयर जब अपटक मूवमेंट्स लेंगे और 5-10 रुपये तक भी आएगा तो 5 गुना प्रॉफिट आपको मिल जाएगा और आपका जो लॉस है 50% वो भी कवर अप हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, जो चीज़ मैंने आपको बताई चाहे यस बैंक में डालें, आपको जिस शेयर में यकीनन अच्छा लगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमें रिटर्न मिल सकता है तो उसमें कन्वर्ट कर लें आप। यस बैंक है, रिलायंस पावर है, सुजलोन एनर्जी है और भी छोटे शेयर्स मैंने आपको बताए हैं। तो ये मैंने अपडेट पहले भी दे दी थी, कई लोगों ने शायद इस चीज़ को कर भी लिया होगा और सुजलोन एनर्जी पे अच्छा रिटर्न भी उनको मिला होगा। अभी भी JP पावर जैसे शेयर है उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें आप, एक शेयर के बदले में 2.5 शेयर मिलेंगे आप जितनी कीमत में आप बेचेंगे तो भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा आने वाले टाइम में। क्योंकि ये 6-7 रुपये का शेयर कभी भी 3-4 गुना हो जाएगा अगर 30 रुपये तक भी आ गया, उसकी संभावना तो पूरी 30 रुपये तक पहुँचने की, तो कभी भी आ जाएगा और कभी भी आपको 5 रुपये रिटर्न देने के बाद में भी आपको आपके इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और आप अपने लॉस से कवर अप हो जाएंगे। दूसरे बात करते हैं मिष्ठान फूड को लेकर के। कई जन मुझसे पूछते हैं कि सर कहाँ तक जाएगा क्या। अरे भाई, मैंने क्लियरली बोला कि भाई ₹1000 तक इन्वेस्टमेंट कीजिए और फिर मैंने बाद में भी क्लियरली कहा कि भाई ये मुझे अंडरवैल्यूड लग रहा है शेयर, ये अभी ₹20 यानी कि ₹20 की तो टारगेट है ही और जो पहले इसका प्राइस था तो फ्रेंड्स उस हिसाब से 25+ तो मुझे लगता है कि कभी चलाएगा, कभी अपट्रैक मूवमेंट्स आएंगे और कभी 25+ जाकर के आपको आपके रिटर्न, आपको आपका इन्वेस्टमेंट एक अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर 8 रुपये के आसपास भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 9 रुपये के आसपास भी किया है तो 9-3 = 27 या 8-3 = 24 24-25 रुपये तक आप होल्ड कर सकते हैं और आराम से इसमें अपना इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। और अगर आपने मान लीजिए 50% रिटर्न भी अभी बना लिया हो, 8 रुपये से 12 रुपये आ गया तो भी आप बेच करके निकल सकते हैं। इट्स अप टू यू, वाट एवर यू वांट टू डू। लेकिन मैं मेरी वीडियो को क्लियर बताता हूँ कि कितने का होना चाहिए, कहाँ तक जा सकता है। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक रेट पता चलेगी कि मैं कहाँ तक की बात कर रहा हूँ। जैसे रिलायंस पावर को लेकर के भी कई लोग बोलते हैं सर कहाँ तक जाएगा, क्या टारगेट है। अरे भाई, जब मैं खुद कई बार कह चुका हूँ, मैंने एक दो वीडियो भी ऐसे बनाए हैं जिनमें कहा है कि भाई 300+, 400+, 100+ ये एक अच्छा रिटर्न देने वाला शेयर तक जा सकता है। तो ये मान के चलिए कि भाई इस तक का मेरा टारगेट है। तो इस बीच में आपको जहाँ तक भी जैसे भी आपको अपना प्रॉफिट बुक करना हो आपके अकाउंट रखे हुए, तो उसको लॉन्ग टर्म तक के लिए लेके रखना
चाहता हूँ लॉन्ग टर्म तक के लिए मैं पढ़ा, मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं कि मैं 150 रुपये बेच दूंगा, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाऊंगा और 2030 तक तो एटलीस्ट कम से कम मेरे पास रखूंगा ही रखूंगा, चाहे मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए। और ये भी चीज़ क्लियर बोलता हूँ, और मुझे नींद भी आराम से आती है, चाहे मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए, मेरा पूरा शेयर मार्केट जितना पैसा पड़ा है जीरो भी हो जाए ना रातों रात, मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने जो पैसा डाल रखा वो हिसाब से डाल रखा है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है और मैं उसको लेके ही चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मुद्दे की बात थी मैंने आपको बता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, टैक्स पेपर बहुत है प्रॉफिट लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।